आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से बनने वाली गार्लिक चिरजी बर्गर, जिसे बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी करेंगे। हमने जो भी सब्जियाँ ली है उसे बहुत ही बारीक काट ली है। इसके लिए एक बोल लेंगे और बोल में डालेंगे एक छोटे साइज का टमाटर, 2 चम्मच कॉर्न, मैंने यहाँ फ्रोजन कॉर्न यूज़ किए हैं, 1 छोटे साइज का प्याज, 2 चम्मच हरी शिमला मिर्च और 2 चम्मच पीली शिमला मिर्च डाल देंगे। मसालों में हम 1 चम्मच ऑर्गेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक का यूज़ हम कम ही करेंगे क्योंकि हम इसमें चीज़ डालेंगे और चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होती है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच ग्रेट की हुई चीज़ डाल देंगे। हमने यहाँ मोजरेला चीज़ यूज़ की है। चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो और ज़्यादा डालिए, कम है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। झटपट से बनने वाले स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे और फटाफट से गार्लिक बटर बना लेते हैं। गार्लिक बटर बनाने के लिए 1 पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें 1 टुकड़ा बटर का डाल देंगे। आप जब भी बटर को पैन में गरम करें तो पहले 1 चम्मच तेल डाल दें, इससे बटर जलता नहीं है। अब इसमें लहसुन डाल देंगे। हमने यहाँ 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली है और उसे अच्छे से कूट लिया है। साथ में फ्लेवर के लिए इसमें 1/2 चम्मच ऑर्गेनो और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें लहसुन को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे धीमी आंच पे बटर के मेल्ट होने तक पका लेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और लहसुन की खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। इस टाइम पे हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गार्लिक बटर बन के तैयार है। अब हम इसे एक बोल में पलट लेते हैं। अब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हम 2 पाव लेंगे। अब हम एक तेज चाकू लेंगे और इस ब्रेड में 3 से 4 बार कट कर लेंगे। इस तरह से हमें कट करना है और हमें नीचे तक बिल्कुल भी कट नहीं करना है। लंबे लंबे चीरे लगाने के बाद हमें स्क्वायर में बॉक्स की तरह इसे चीरे बना लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से स्क्वायर में भी काट लिया है। इसी तरह हम दूसरे वाले बन को भी काट लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी उस सारे पॉकेट में अच्छे से भर लेंगे। स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। ज़्यादा स्टफिंग डालने से वेजिटेबल के साथ जब चीज़ मेल्ट होती है तो ये खाने में गजब की लगती है। अब इसके सारे पॉकेट में बिल्कुल नीचे तक हम फिल कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी फिल कर लेंगे। स्टफिंग भरने के बाद थोड़े से बन फैल जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम दोनों हाथों से इसे ले के इस तरह से दबा देंगे। तो अब ये बर्गर बनके तैयार है। अब हम इसे सेक लेते हैं। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। गैस को अभी हमने ऑन नहीं किया है। अब हम इसमें ब्रेड रख लेंगे, दूसरी भी इसमें साथ में रख देंगे और जो गार्लिक बटर तैयार किया था वो हम सारे बंस में लगा देंगे। बटर को हम इस तरह से लगाएंगे कि सारे पॉकेट्स में वो बटर चला जाए। बटर को हमने सारे पॉकेट्स में अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 7 से 8 मिनट तक या फिर जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसे बेक करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी गार्लिक चीज़ बर्गर बनके तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।